नमस्कार दोस्तों, सॉफ्ट लर्न के लर्निंग सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हाउ टू टीच राइटिंग द नेम। बच्चों को अपना नाम लिखने के लिए कैसे पढ़ाया जा सकता है, ये आज का टॉपिक है। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपको बताऊंगी, जिन एक्टिविटीज़ को करते हुए बच्चे आसानी से अपना नाम लिखना चालू कर सकते हैं, उनको अपने नाम के स्पेलिंग याद हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है नेम कलरिंग। जैसा कि आपने देखा है, यहाँ पर मेरा नाम है श्रद्धा, मैंने कुछ लेटर्स इसमें लिखे हुए हैं। तो उसको क्या करना है कि उन नाम के लेटर्स को ब्लॉक में लिखना है, और ब्लॉक में लिखते हुए उनको बच्चों को बोलना है कि कलर करें। वो किसी भी डायरेक्शन में कलर कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो लेटर फॉर्मेशन जिस प्रकार से होता है उसी डायरेक्शन में कलरिंग करें। बच्चे अपने मन से अपना नाम कलर कर सकते हैं। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा जब उनको पता चलेगा कि वो खुद का नाम कलर कर रहे हैं, और वो इस एक्टिविटी को बहुत एंजॉय करेंगे। साथ ही साथ उनका स्क्रीनिंग होता रहेगा। स्क्रीनिंग यानी कि बच्चे की आंखों में ये सारे लेटर्स पढ़ते रहेंगे जो उसके नाम में आवश्यक होते हैं। तो नेम कलरिंग ये एक एक्टिविटी होगी। दूसरा है थंब या फिंगर प्रिंटिंग। इसमें क्या करना है कि ऐसे ही ब्लॉक लेटर्स बनाने हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। मेरी बेटी का नाम है लोपा मुद्रा, उसमें लगभग 9 लेटर्स आते हैं। इसके लिए मुझे स्पेस थोड़ा कम पड़ा, इसलिए मैंने डिवाइड करके ये नाम लिखा हुआ है। लेकिन आप कुछ बड़ा पेपर बच्चों को देकर बड़े साइज में ये ब्लॉक लेटर्स बनवा सकते हैं, और बच्चों को बोलना है कि जिस तरह से लेटर फॉर्म होता है, एल फॉर्म होता है तो स्टैंडिंग लाइन बनानी पड़ती है, उसी तरह से पेंट में फिंगर डिप करके उसको लेटर को बनाना है। हर एक लेटर उसी फॉर्मेशन में बनेगा जिस फॉर्मेशन में वो लिखा जाता है। तो इससे क्या होगा, बच्चा लेटर खुद से लिखेगा तो नहीं, लेकिन उसकी लेटर लिखने की प्रैक्टिस होगी, और उसे पता चलेगा कि आखिर मेरा नाम लिखना कैसे है। तो ये हो गया फिंगर प्रिंटिंग या फिंगर डैबिंग जिसको बोलते हैं, थंब प्रिंटिंग जिसको बोलते हैं, उस प्रकार की एक्टिविटी। अगली एक्टिविटी है कलर कोडिंग की एक्टिविटी। कलर कोडिंग की एक्टिविटी में क्या है कि बच्चे का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कि बच्चे का नाम है ईरा, तो ई आर ए, इस प्रकार से 3 ही लेटर आएंगे। तो इन 3 लेटर्स को आपको कलर कोडिंग देना है। जैसा मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, एल को दिया है स्काई ब्लू, ओ को दिया है ऑरेंज, पी को दिया है डार्क ब्लू, और एक खाली स्क्वायर पर ये सारे लेटर्स रैंडमली आपको लिख देने हैं, और आप चाहे कितनी बार भी ये लेटर्स लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 बारी लोपा मुद्रा का नाम रैंडमली इसमें लिखा हुआ है, और लोपा मुद्रा ने कलर कोडिंग के हिसाब से हर लेटर उस पर्टिकुलर कलर में कलर किया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को पता चलेगा कि हमारे नाम में जो है कौन कौन से लेटर आते हैं, वो लेटर का सीक्वेंस क्या है, ये सब बात वो समझ पाएंगे, उनके दिमाग में ये सारी बातें आ जाएगी। तो नेम कलरिंग, थंब प्रिंटिंग और कलर कोडिंग के बाद है नेम वे मेज। नेम वे मेज क्या है ये हम जान लेते हैं। नेम वे मेज में मेज जैसा ही एक स्ट्रक्चर है, सिर्फ इसमें क्या है कि बच्चे को अपने नाम के लेटर्स को फॉलो करते हुए घर तक पहुंचना है। यहाँ पर लोपा मुद्रा का नाम है तो मुझे 9 लेटर्स मिल गए। अगर नाम छोटा है तो आप इकट्ठा ही वो नाम लिख दीजिए, जैसे ईरा नाम है, या हो सकता है कि ईशा नाम है, तो 4 ही लेटर आ गए। तो 4 लेटर आप ऐसे लिख सकते हैं, एक साथ ही लिख सकते हैं ईशा, एक साथ ही आप लेटर इसमें लिख सकते हैं, और बच्चे को बोल सकते हैं कि आपको सिर्फ जो नाम है उसका ट्रैक फॉलो करते हुए घर तक पहुंचना है।
जैसा इसमें लोपा मुद्रा, यहाँ पर ई आ गया लेकिन लोपा मुद्रा के नाम में ई नहीं है, तो इस रास्ते से नहीं जाना है। लोपा मुद्रा ऐसा करते हुए यहाँ पर भी एम और एन आ गए, एन में डेड एंड है और एम में रास्ता बना हुआ है, एम लोपा मुद्रा के नाम में भी आता है और इस तरह से लोपा मुद्रा आखिरकार घर तक पहुंच जाएगी। तो ये बच्चे को करने में बहुत मज़ा आएगा, बच्चा इसको बहुत चाव से करेगा और उसे समझ में आ जाएगा कि हमारा नाम आखिर लिखा कैसे जाता है। और उसके आखिर में, सबसे आखिर में आता है नेम ग्रेड राइटिंग। ये नेम ग्रेड राइटिंग क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। जैसा कि मैंने बोला, एक शॉर्ट नाम ले लीजिए ईरा, तो कितने लेटर्स आ गए, तीन लेटर्स आ गए, और तीन लेटर्स के लिए हमें एक ग्रिड बनानी है तीन कॉलम्स की। पहले कॉलम में ई आर ए ऐसा हम लिखेंगे, दूसरे कॉलम में हम पहला जो लेटर है उसको खाली छोड़ देंगे और सिर्फ आर ए लिखेंगे, तीसरे कॉलम में हम दो लेटर्स ब्लैंक छोड़ेंगे और सिर्फ ए लिखेंगे, और जो है आखिर में बच्चे के लिए एक ग्रिड बनाएंगे जो कि सारी ब्लैंक होगी। और इस प्रकार से ईरा ये नाम बच्चा अपने ग्रिड में अपने हाथों से लिखेगा। लोपा मुद्रा ने भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही किया हुआ है, उसने ऊपर का लेटर देखते हुए नीचे उसने लेटर लिखते गई है और उसको पता चला कि उसका नाम एल ओ पी ए एम यू डी आर ए इस प्रकार से बनता है और आखिरी लाइन में उसने खुद से अपना नाम पूरी तरह से लिखा। तो इस प्रकार से आप ग्रेजुअली बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस लीजिए, एकदम से बच्चों को अपना नाम लिखना इंट्रोड्यूस मत कीजिए। ये सारी एक्टिविटी जैसे मैंने दिखाई वो सारी एक्टिविटीज़ आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाइए और फिर बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में अपना नाम का स्पेलिंग याद करवाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर वीक में एक नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा, तो आप ज़रूर ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।